तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th के क्वेश्चन को, जिसमें सवाल बहुत ही इजी है। सवाल बेसिक सा है कि आप लोगों को यहाँ मैग्नीशियम, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन के आप लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को लिखने हैं। जैसे कि बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में जब भी आप लोग बॉन्डिंग करते होंगे तो वहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत तो पड़ती होगी। जो आप लोग इनिशियल स्टेज में बॉन्डिंग करते होंगे तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वगैरह करके, तो वहां पर जो है जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखा आता है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में प्राथमिकता जो दी जाती है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। हालांकि आप लोग पीरियोडिक टेबल मान लीजिए पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि जो भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 में बैठे होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। लाइक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2A2 होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2A2 होता है। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। अब यहाँ पर अगर ये बैठा हुआ है ग्रुप नंबर 13 में, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। ठीक है ना, देखो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का हो गया 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप चले जाओ वहां पर तुम 13th ग्रुप में, 13 का हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फिर 4 5 6 7 और लास्ट में इनर्ट गैस वाले ग्रुप का 8 हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन का होता है 2 3 कन्फिग्रेशन, ये 16th ग्रुप में है तो 2 4 सॉरी 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 कन्फिग्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा ये ग्रुप 15 में है तो 2 5 कन्फिग्रेशन, और यहाँ ब्रोमीन जो है वो हो जाएगा 2 8 18 7, ये ग्रुप 17 में है तो 17 में है, और ये हमारा क्या कहते हैं हमारा फर्स्ट ग्रुप में बैठा हुआ है, फर्स्ट में बैठा हुआ है फ्लोरीन, यानी सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में क्लोरीन बैठा हुआ है, फोर्थ पीरियड में यहाँ पर ब्रोमीन बैठा हुआ है। तो फोर्थ पीरियड में 4 ऑर्बिट है हमारे पास, और लास्ट 17th ग्रुप में है तो 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हालांकि ये सब ट्रिक आप लोग समझते होंगे अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को बेसिकली अच्छे से पढ़े होंगे तो, हालांकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसी का काम है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें लिखने हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें लिखने हैं तो कुछ नहीं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको आप डॉट के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। ये हो गया मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया बोरॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 को अरेंज कर दिए। ये हो गया ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस तरह से आप लोग चाहे तो पेयर पेयर में भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 को अनपेयर्ड रखे हुए हैं, क्योंकि ये 2 से बॉन्ड बनाएगा इसलिए जनरली ऐसे ही लगते हैं। कभी कभी डबल बॉन्ड मान लीजिए ऑक्सीजन फॉर्म करता है, उस केस में 2 2 2 के पेयर में भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन के लिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये इस तरह से भी रख सकते हैं, 3 को इधर 2 को इधर, 2 2 1 भी कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं, या 2 को 1 साथ 3 को आप लोग सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, जैसा जैसा जब जरूरत पड़े वैसा हम लोग को अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जैसे NH3 का जब हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग शेयरिंग दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन में, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा 3 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके, तो उस समय नाइट्रोजन को एक पेयर दे देंगे, यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन को सिंगली अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 में 2 2 4 2 6 3 तो लोन पेयर होते हैं, बस एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है इसलिए एक सिंगल को रख दिया हम, इस तरह से 7 हो गया। यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही बने रहिए, एकदम छोटे छोटे सवाल लेकर के, बड़े से बड़े जितने भी सवाल एनसीईआरटी में है, साथ ही साथ आपके जो कमेंट आते हैं उस पर भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर रिप्लाई करते हैं उसके वीडियो बना करके। तो आपके भी मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके आंसर आप लोगों को वीडियोज के माध्यम से आपके लिए हम दे देंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिजिक्स के वीडियोस आ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।